टिम डेविड को आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वो रन नहीं लेना चाहिए था। जी नहीं, मुझे लगता है रन लेना चाहिए था। जो रन था वो लेना जायज था, क्योंकि सामने तिलक वर्मा थे और उसके बाद भी कई सारे बल्लेबाज आने थे। अर्शदीप सिंह इस सीजन सभी टीमों में बेस्ट डेथ ओवर्स बॉलर हैं। नंबर वन बॉलर है मेरे लिए। जी हाँ, आखिरी 5 ओवर में 96 रन लुटाना मुंबई को काफी महंगा पड़ गया। बिल्कुल महंगा पड़ गया मेरे हिसाब से। 5 ओवर में 96 रन बहुत कम बार दिखाई देते हैं। किसी भी टीम इतनी रन देना बहुत ही मुश्किल होता है उनको वापस आना मैच में। कैमरन ग्रीन के तौर पर मुंबई इंडियंस को कैरन पोलार्ड का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया है। रिप्लेसमेंट नहीं कहूँगा, पर मैं कहूँगा एक अच्छा विकल्प है, पावर हिटर है। और कैमरन ग्रीन और टिम डेविड बहुत साल मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे आपको। अर्जुन तेंदुलकर के ओवर से आए 31 रन ने मैच का मोमेंटम पंजाब की तरफ मोड़ दिया। जी हाँ, वो 31 रन आए जिस ओवर में, वो ओवर उनको भारी पड़ गया। वहां से मैच का रुख बदल गया। पीयूष चावला से पूरे 4 ओवर ना कराना रोहित की चूक थी। जी हाँ, अगर आपके बेस्ट बॉलर ग्राउंड पर एक ओवर कम डालते हैं, इसका मतलब है आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गई। सूर्य कुमार यादव का ऐसा सुप्रीम फॉर्म मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचाएगा? बोलना मुश्किल है, क्योंकि उनके बॉलर्स काफी रन्स दे रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता। अब मैं नहीं कह सकता कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को नॉकआउट तक पहुंचाएगा। जितेश शर्मा की 7 गेंदों पर 25 रन की पारी मैच का टर्निंग पॉइंट रही? बिल्कुल रही। मेरे हिसाब से जितेश शर्मा एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं और आज उसका एक लाजवाब प्रदर्शन था।